जियो ईयर फाइबर की कॉल ऑप्शन कैसे चालू करें। दोस्तों अगर आपने जियो ईयर फाइबर लगाया लेकिन कॉल ऑप्शन अभी तक चालू नहीं है, किस प्रकार से आप चालू करके उसके बाद आपने मोबाइल पे लॉग इन करके आप किस प्रकार से कॉल कर पाओगे, किस प्रकार से कॉल करना है, किस प्रकार से वीडियो कॉल करना है, पूरा डिटेल के साथ मैं इस वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो पे लास्ट तक देखना, और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा अगर आप अपने घर पर अपने जियो ईयर फाइबर लगाया, 5G है और लगा लिया लेकिन अभी तक कॉल ऑप्शन या कॉल फीचर्स आपको नहीं मिला है, लेकिन बहुत लोगों के पास ये मिल चुका है लेकिन आपको पास क्यों नहीं मिल रहा है, पूरा जानकारी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप अपने कॉल ऑप्शन चालू करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए आपको दिखा देते हो किस प्रकार से आपने जियो ईयर फाइबर का कॉल ऑप्शन चालू करोगे एंड यूज़ कर पाओगे। वीडियो के लास्ट तक देखना, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, आपने एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करो तो उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है जियो जॉइन, जो वॉइस एंड वीडियो कॉल, इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप फर्स्ट बार ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जनरेट एक्सेस पे क्लिक करके आप अपने जो भी परमिशन मांगे उसे अलाउ कर दीजिए। तो ये ऑफिशियल जियो फोन का जो ऐप है तो आप इसे परमिशन दे दीजिए। उसके बाद आपने जो ईयर फाइबर लगाया था उसी ईयर फाइबर आपने इस मोबाइल से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ, तो वो वाईफाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो ईयर फाइबर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो ईयर फाइबर लगाने के टाइम पे जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर हुआ था उसी मोबाइल नंबर पे कोड जाएगा, ठीक है, वो कोड आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। जैसे ही फिलअप कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपने कॉल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कोड चला जाएगा उसी मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे अपना फोटो आप लगा सकते हो और अपने नाम भी आप लगा सकते हो, तो मैं फिलहाल नाम लगा देता हूँ, फोटो बाद में भी मैं चेंज कर सकता हूँ या लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नाम देके यहाँ पे राइट साइड पे एरो पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर दोगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए, तो नीचे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्किप करके आप जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे ये एक्टिव हो जाएगा, आपने जो ईयर फाइबर का कॉल है वो एक्टिव हो जाएगा, वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे यहाँ पे बहुत सारे जो भी नंबर आपने सेव हुआ है वो नंबर यहाँ पे आप चूँकि लगा सकते हो, ठीक है, और कॉल लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायल पैड दिया हुआ है, आप डायल पैड पे क्लिक करके भी आप कॉल लगा सकते हो। सिंपल करना क्या होगा, इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए, उसके बाद मेरा एक दूसरे नंबर पर मैं कॉल लगा के आपको दिखा देता हूँ। सिंपल वो जो भी नंबर पे आप लगाना चाहते हो वो नंबर यहाँ पे डायल करना होगा, उसके बाद आप लगा सकते हो। इंडिया पे कहीं पे भी आप लगा सकते हो, इंडिया के अंदर आप किसी भी जो किसी को भी आप लगा सकते हो कॉल, इस प्रकार से वीडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल। तो इस प्रकार नंबर डायल करने के बाद आप जैसे ही कॉल लगाओगे कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉल लगा लिया, और यहाँ पे लाउड स्पीकर करके भी आपको सुनाई दे देता हूँ, सुना के देता हूँ, दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कॉल लग जाए तो उसके बाद यहाँ पे लाउड स्पीकर का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करके आप सुना भी सकते हो। तो इस प्रकार से आपने कॉल ऑप्शन फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।